बिंदास गर्ल कंगना रनौत अपनी रिसेंटली रिलीज फिल्म धाकड़ के लिए सुर्खियों में है। एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। वेल, फिल्म जितनी खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत है फिल्म के फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं फिल्म धाकड़ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। रोल्स के मामले में कंगना रनौत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो अपने कैरेक्टर को 100% देती है। धाकड़ के पहले कंगना थलाइवी की फिल्म शूट कर रही थी। हैवी वेट को लूज करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। मैंने अपने आप बॉडी को हमेशा बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। मैं पहाड़ी लड़की हूँ, तो मैं बहुत ही फिट थी। लेकिन जब मैंने थलाइवी के लिए वेट गेन किया एंड आई वॉज ऑलमोस्ट 33-34, तो उसके बाद मेरा वेट वो जाए ना, तो मुझे ये एक अलग शॉक लगा कि यू नो माई बॉडी इज सो डिफरेंट नाउ। फिर उसमें ऑब्वियसली उसके बीच में मुझे वो एक्शन की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो फिर और शॉक लगा कि बॉडी में वो एजिलिटी और वो स्टेमिना नहीं है। सो आई वॉज लाइक दैट हीरो ना हु बाउंसेस बैक, फिटनेस फिल्मों में आप देखते होंगे, तो इट वॉज लाइक दैट जर्नी वॉज लाइक दैट। कंगना फिल्मों के साथ साथ असल लाइफ में भी बॉस लेडी है। उन्हें अलग अलग किरदार निभाना बहुत पसंद है। ऐसे में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कंगना ने फिल्म में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और लेटेस्ट मशीन गन्स को भी चलाया है, जो पूरी तरह से असली थे। कंगना रनौत जो भी काम करती है बड़ी शिद्दत से करती है। ऐसे में इस फिल्म के लिए भी कंगना ने तकरीबन 3 महीनों की इंटेंस ट्रेनिंग ली। इससे पहले भी उन्होंने क्रिश 3, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसे फिल्मों में एक्शन किया, लेकिन इस फिल्म में भी उनका अलग और हटके अवतार हमें देखने को मिला। कंगना रनौत बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। वेल, अब जितना नाम उतना पैसा भी ये सेलेब्स कमाते हैं। ऐसे में कंगना को एक फिल्म के लिए अच्छी खासी रकम मिलती है। कंगना को फिल्म धाकड़ के लिए रिपोर्टेडली 26 करोड़ रुपए मिले हैं। धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च के वक्त भी कंगना ने पे पैरिटी पर मजेदार जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अच्छी फीस मिलती है। डालिए वीडियो पर एक नजर। पे पैरिटी को लेकर के एक जो मिशन है, एक मेहनताना है, उसको लेकर के भी एक लड़ाई लगातार मतलब लड़ते रहनी पड़ रही है। आप ऐसा मत कहिए, मेरे प्रोड्यूसर बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे वैसे। आपने इनडायरेक्टली मेरा आंसर कर दिया है, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इनके सामने मत बोलिए, इनके सामने तो बिहेव लाइक यू नो, देखो मैं बेचारी लड़की हूँ, बोलेंगे अच्छा बाकियों को नहीं मिल रहे, तुम ही ले रही हो। जी नहीं, आई एम नॉट अंडरपेड, फॉर श्योर आई एम नॉट अंडरपेड। टुडे आई कैन से प्राउडली एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी हु गिव्स मी, हु मेक्स मी फील लाइक आई एम valued and my work is valued, and I mean thanks to Sohail, he's the one who's initiated this, and Deepak ji and all the men who have helped me through this journey. And today, yes, of course I have been, there were times when I felt that why when I do the same work, why don't I get paid? But today at this stage in my life, I am not underpaid. Film mein interval ke aas paas Kangana Ranaut ka ek action sequence hai jo takriban 14 minute ka hai. इस एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था। सोर्सेस के मुताबिक कोरिया से प्रोफेशनल एक्शन मास्टर्स को बुलाकर इसे फिल्माया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस को बुडापेस्ट में शूट किया गया। शूटिंग के दौरान कंगना ने मूवी से कुछ BTS मोमेंट्स भी शेयर किए थे, साथ ही अपने फैंस को बताया था कि आखिर उनका प्रेप कैसा चल रहा है। अब तक जितने भी एक्शन मूवीज बने हैं उसमें हमने मेल एक्टर्स को ही देखा है। ऐसे में कंगना की ये फिल्म पहली ऐसी हाई बजटेड एक्शन मूवी है जिसमें एक फीमेल स्टार है। कंगना ने एक इंटरव्यू में फिल्म धाकड़ को हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट ईविल से कंपेयर कर दिया था। वेल, कहा यह भी जा रहा है कि ये फिल्म एक फ्रेंचाइज होगी। इस फिल्म के कई सारे पार्ट्स हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। वेल, तो ये थे फिल्म धाकड़ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड YouTube।